श्री राधा। अखिल रसामत सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परत पर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लालजू उदासीन आचार्य जगतगुरु श्री चंद भगवान की कृपा कटाक्ष से हम तुम आप सब अपने गुरु दरबार में इन पंच महापुरुषों के समक्ष बैठे हैं। दिव्य तपोमूर्ति बाबा श्री हरिहर जी महाराज उन्हें के कृपापात दिव्य तपोमूर्ति भागवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा हरकिशन दास जी महाराज श्री द्वारका देव जी के कृपापात दिव्य तपोमूर्ति भागवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी के कृपापात दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत मम सद्गुरुदेव भगवान श्री गुरु चरणदास जी महाराज। तो इन महापुरुषों की कृपा से आप भक्तों की कृपा से हम भगवत में प्रवेश करते हैं भगवती ओर चलते हैं। यम प्रवजन्तु मनुपेत में प्रेत कृतम द्विपायनो विरह कातुर आजुहा पुत्रेति तन्मतया तर्मो बिन्दे तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही वह सभी हम ऐसे महापुरुष का वंदन करते हैं जो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है।
तो आप और हम वह गुरुजनों को वह वंदन करते हुए यह सुंदर भजन करते हैं गुरुदेव के नाम से। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा बल के साथ माया घेरे यो मुझे आकर, तेरा दिन माया बल के साथ माया महाराज मेरी नैया उस पार लगा देना, झंझटों में तुमको न भूल जाओ, संभव है झंझटों में तुमको न भूल जाऊं,
मुझको न भुला देना। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ और वो जंगल की ओर चल दिए। सर्वभूत हृदय मुनि मानस तोष्मि, वह सर्वभूत को हृदय में धारण करको जीव मात्र को वह भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए जा रहे हैं। चलते 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 और वह पीछे उनके पिताजी व्यास जी, पुत्र रुखो पुत्र रुखो इस प्रकार कहते हुए जा रहे हैं। तो वह कौशिक संहिता में सुखदेव जी का जन्म का वृत्तांत इस प्रकार आता है। एक बार नारद जी घूमते घूमते वह जहाँ भगवान शंकर और पार्वती जी निवास करते हैं, पार्वती जी घूमते घूमते दर्शन के निमित्त गए कि माता के दर्शन भी कर लूँ। वह जैसे ही कैलाश में गए और माता भगवती प्रसन्न हो गई। संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ है और संत कहते हैं वह भी भगवती ने देखा, कहने लगी बोले महाराज बड़ी कृपा करी आपने, इतनी कृपा करी कि संतों के दर्शन ही दुर्लभ है, इसलिए प्रभु आप आओ और बैठो, कुल समाचार सुनाओ। वह माता भगवती नारद जी से बात करती, नारद जी माता भगवती से बात करती। भगवती कहते महाराज हमारा जीवन तो बड़ा खुशी और भले प्रसन्न से हम रहते हैं, यहाँ ना किसी का झंझट ना किसी का झगड़ा, क्योंकि शहर में रहो गांव में रहो तो कई प्रकार की बात होती है, इसलिए यहाँ हमारे मेरे प्रभु भगवान का ध्यान भजन करते हैं और मैं उनकी सेवा करती हूँ। यहाँ पर ना कोई लेना ना देना, कोई झगड़ा ना झांसा। बोले इस प्रकार वह बात बताती है। और फिर जब भगवान जब आते हैं कुटिया में तो प्रेम से बात करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख जानते हैं। वह मैं पूछती बोले प्रभु किस प्रकार ठाकुर जी का भजन करा, कितना बोले कितना बोले प्रभु का रूप बोले आपके अंदर समाहित रहता, एकदम ध्यान में रहते हैं। इस प्रकार बोले सारी
बोले सारी बात, बोले हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं, सारी बात मुझे बता देते, अपने मन में कुछ रखते ही नहीं। बोले बोले मेरे पति देव, बोले भगवान इस प्रकार। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा माता, बोले सब कुछ बता देते हैं? बोले हाँ जी, बोले सब कुछ बता देते हैं। बोले मेरे पति अपने मन में कुछ रखते ना रखते नहीं। उनने कहा, अच्छा माता, बोले मेरे को है ना इस प्रकार, बोले शंका है, तुम्हें पता है? बोले नहीं। तो बोले एक बात बोले तुम्हें बताई है? बोले नहीं। तो बोले तुम कहती हो सब कुछ बता देते हैं, जरा यह पूछना कि बोले प्रभु तुम्हारे, बोले भगवान शंकर के जो गले में मुंडों की माला रहती ना, बोले ये किसकी है? बोले जरा पूछना तो सरी, कभी तूने पूछा या कभी बताया आपको माता? बोले ओहो, बोले ये तो मुझे कभी नहीं बताया, क्योंकि ये बात तो मैंने कभी ध्यान दिया और ना कभी मैंने पूछा। तो वह नारद जी कहते हैं, बोले यही तो बात है ना तू कहती है। बोले माता आप कहती कि सब कुछ बताते हैं, बाकी ये तुम्हें नहीं बताया? बोले जरूर, बोले कुछ ना कुछ है, तभी तो नहीं बताया। माँ भगवती के मन में और शंका पैदा हो गई, क्योंकि नारद जी जो है ना, यह इनकी लीला बड़ी विचित्र है। और फिर वह इस प्रकार कहा और माँ भगवती के मन में शंका हो गई, क्योंकि जब घर गृहस्थी में अगर कुछ बात होती ना, और पत्नी के सामने अगर पति देव किसी से अगर देख भी ले ना, तो तुरंत शंका करती है कि तुम उधर क्या देख रहे थे? बोले पड़ोस में। अब भाई नेत्र है, इधर उधर तो नेत्र जाते ही हैं, बाकी माँ तो माँ है, क्योंकि माताएं है ना जराक में शंका कर लेती, इसलिए गुरुदेव भगवान कहते थे कि कभी शंका नहीं करना। बोले कभी नहीं करना शंका, और नहीं तो शंका सत हो जाती है, इसलिए शंका नहीं करना चाहिए, सदा ही प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि तो इसीलिए जब माँ भगवती को जब इस प्रकार कहा, तो भगवती के मन में बड़ा विचार इधर उधर घूमने लगे, और इतना कहा और नारद जी कहने लगे, बोले अच्छा माँ अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे और भी भक्तों के यहाँ जाना है, मुझे बड़ा काम है, इसलिए मैं जाता हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। बोले मैं तो अब जा रहा हूँ। इतना कहा और माता जी को प्रणाम करा और निकल गए भगवान शंकर। जैसे ही निकले तो पार्वती माता के दर्शन करते हुए नारद जी, और सामने शंकर भगवान आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ध्यान कर रहे हुए कहीं चट्टान पर बैठ, कहीं किसी पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि कुटिया है, कुटिया के साइड में ध्यान करते होंगे। जैसे ही भगवान शंकर दिखे, नारद जी ने प्रणाम करा, नारद जी ने प्रणाम करा तो भगवान शंकर का माथा घूमने लगा। बोले नारद जी निकले हैं कुटिया से, जरूर कुछ ना कुछ लीला है, तभी तो शंकर। बोले नारद जी निकल गए, वह भगवान शंकर के भी मन में वह इस प्रकार की शंका कि कुछ ना कुछ जरूर लीला है, क्योंकि भगवान नारद जी है ना, क्योंकि नारद जी जहाँ भी जाते हैं ना कुछ लीला ही होती है, क्योंकि जैसे वह कंस के यहाँ गया ना, तो कंस को बता दिया, क्योंकि जल्दी कंस के पाप बढ़े और वह भगवत प्राप्ति का मार्ग खुले, तो उन्होंने कहा ये पापी इस प्रकार नहीं मरेगा। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं? बोले उन्होंने अश्वदल का कमल फूल लिया। बोले अरे मूर्ख, पहली संतान कौन सी है तू जान सकता है क्या? क्योंकि भगवान की बड़ी माया विचित्र, क्योंकि भगवान विष्णु है ना बड़े बड़े कहते, बोले ऐसे छल करते हैं ना, तुम्हें पता भी नहीं लगा, तो इस प्रकार शंका हो गई। तो नारद जी कहते जहाँ भी जाते हैं ना कुछ अच्छा ही करते हैं। देखो ध्रुव जी को मिले तो भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दिया, मैंने कहने का जिन जिनको भी बोले संतों के दर्शन हुए, नारद जी के दर्शन हुए, वह भगवान के शरण में तो जाएगा जाएगा, जैसे आप लोग हो। अब आप लोग जब गुरु चरणों में आए तो ऐसे थोड़ी आए, आप लोग ने ऐसे थोड़ी यहाँ बैठे हो, क्योंकि वह कहते बाबा हरिहर की घुट्टी पी करके आप मल मस्त बैठे हो, क्योंकि तुम्हें वह बाबा हरिहर ने, गुरुदेव भगवान ने, गुरु लोग ने ऐसा नामा मंत्र वह अमृत पिलाया कि जब भी कोई कार्यक्रम हो, जब कोई भी काम हो, फट गुरु चरणों में आ जाते हो। तो ये संतों की
आशीर्वाद तो है आपके ऊपर। इसलिए जब इस प्रकार कहा और नारद जी निकल गए, भगवान शंकर गए, शाम को जैसे गए ऊपर चढ़े कुटिया में गए, वैसे ही पार्वती जी वह हाथ पैर धोए, भगवान का ध्यान करा ठाकुर जी का, और भगवान शंकर बैठ गए। बोले पार्वती, बोले भोजन लगाओ। अब भोजन लगाया, लगा करके चार पांच रोटी रख दी और दाल सब्जी रख दी और बैठ गई सामने माता जी। अच्छा जी, बोले बोले एक बात बताऊं, बोले एक बात बोले पूछना चाहता हूं, पूछना चाहती हूं। बोले बोले बताओ। तो बोले ये बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है, बोले जरा मुझे बताओ। बोले जब इस प्रकार कहा तो भगवान कहते, बोले पार्वती रहने दे, बोले मत पूछ नहीं तो तुझे बड़ा बुरा लगेगा। तो माता जी को और वह मन में वैसा हो गया कि जरूर मेरे किसी सोत की माला है, तभी तो नहीं बता रहे। जब माता जी को और शंका गहरा गई, नहीं नहीं बोले आज तो मैं पूछ कर ही मानूंगी, बोले मुझे जरूर बताओ। क्योंकि दिन भर तो जैसे माता लोग है ना, दिन भर तो दुकान पर रहते पति लोग, कोई नौकरी जाता कोई दुकान पर रहता, तो दिन में तो समय मिलती नहीं। अब शाम को जब भोजन करने बैठते हैं ना, तभी कोई ना कोई राज्य की बात बताती। भोजन खाए ना खाए उनको कोई मतलब नहीं, पहले अपनी बात रख देंगे कि बोले पहले बताओ, बोले तुम यहाँ इस प्रकार, बोले अब पति देव भूख लग रही है, हरा थका आया नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये क्यों कर। मैंने कई प्रकार की घर गृहस्थी की बात पतिदेव जब भोजन करता ना तब पूछती है माता लोग, फिर पतिदेव भी बताते हैं। उनका चलो भाई बलट डाले और कम से कम खा पी करके सो जाए, नहीं बताएंगे तो और मुसीबत हो जाएगी, इसलिए बताना पड़ता। तो ये तो इस प्रकार माँ भगवती ने कहा कि नहीं, बोले तुम्हें बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो बता देता हूँ। वह पूछने लगी, पूछू रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। पूछू रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। पूछू रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। पूछू रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। जय जय श्री राधे। अब है माता जी ने वह पूछा तो भगवान बताने लगे। हरी पार्वती बोले तुम्हें पता नहीं, बोले क्योंकि ये जो मुंडों की माला है, बोले ये सब तेरे ही मुंड है। बोले बोले प्रभु मेरे मुंड, बोले हाँ। बोले जब जब तुम मृत्यु होती तुम्हारी, जब तुम मरती हो ना, तो मैं तुम्हारा मुंड अपने गले में माला बनाकर धारण कर लेता हूँ। बोले देख लो, बोले इतनी माला में मुंड हो गए तुम, बोले इतनी बार मर चुकी हो। जब इस प्रकार कहा तो पार्वती कहने लगी, बोले मुझसे इतना प्रेम करते हो प्रभु कि मेरे मरने के बाद तुम अपने, बोले मेरे मुंड की माला अपने गले में धारण करते। बोले हाँ प्रभु। बोले वह कहने लगे भगवान की, बोले हाँ पार्वती, बोले मैं इतना प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे मुंडों की माला अपने गले में धारण कर लेता हूँ। तो पार्वती कहने लगी, बोले प्रभु, बोले मैं भी कम नहीं, बोले मैं भी कम नहीं प्रेम करती हूँ, बोलो मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। बोले कहाँ है तुम्हारे मुंड, बोले मुझे दो, मैं भी पहन लेती हूँ। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, बोले कितनी भोली है, बोले पगली, बोले कहती है, बोले बोले लाओ तुम्हारे मुंड कहाँ है। तो उनने कहा पार्वती, बोले है ना मैं कभी मरता नहीं हूँ। बोले क्यों प्रभु, क्योंकि मैंने, बोले अपने सदगुरु से
बोले वह अमर कथा सुनी है, वो भगवान की दिव्य कथा सुनी है, इसलिए मैं कभी मरता नहीं हूँ। कहने मैंने वह राम नाम की घूटी ऐसी पी है ना, तो मैं कभी मरता ही नहीं हूँ। बोले मैं तो ओगड़दानी हूँ, जंगल में रहता हूँ और भांग का गोला खाता हूँ और मस्त हो जाता हूँ। बोले थोड़ी बोले गोरा न पी, बोले मैं बज गई तो बोले मैं किसके लिए, बोले इसलिए बोले थोड़ी गुप, बोले और घोटो थोड़ी सी भंगिया आज, ओ भोले बाबा और घोटो थोड़ी सी भंगिया आज, भोले बाबा और घोटो थोड़ी सी भंगिया आज, ओ भोले बाबा और घोटो थोड़ी सी भंगिया आज, भोले बाबा और घोटो। थोड़ी बची थी संतों ने पी ली, थोड़ी बची थी संतों ने बाबा और घोटो, थोड़ी सी भगिया भोले बाबा और घोटो। जय जय श्री राधे श्याम। जब इस प्रकार कहा तो कहते बोले मैं मरता नहीं हूँ, बोले मैंने अमर कथा सुनी है। जब इस प्रकार कहा तो पार्वती कहने लगी, बोले प्रभु आपने अमर कथा सुनी? बोले हाँ, बोले मैंने अमर कथा सुनी है। तो वो पार्वती कहने लगी, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। सकल लोग जग पावन गंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। पार्वती ने इस प्रकार कहा तो भगवान शंकर खुश हो गए और पार्वती भी खुश हो गई। बोले प्रभु, बोले मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी, क्योंकि जो हरिद्वार में जो गंगा बहती है ना, वो गंगा तो कहते मृत्यु लोक को प्राणी को तारती है। वह पार्वती जी कहती है अपने पति से कि बोले अरे पार्वती, हाँ बोले बोले मैं बोले ये जो गंगा है ना, इस गंगा के पास हम लोग जाते हैं, जब हम लोग इस गंगा के पास जाते हैं ना, तब हमें कहीं इसका पुण्य मिलता, लाभ मिलता है, ठीक है, उसमें डुबकी लगाएंगे तब हमको कहते उसका पुण्य मिलेगा, हम तर जाएंगे। बाकी पार्वती कहती है, बोले श्यामी, बोले मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी कि जीव मात्र का कल्याण हो जाए, बोले जीव मात्र तर जाए, बोले कोई आए ना आए, बोले मैं इस कथा रूपी गंगा, ये भगवत कथा रूपी गंगा ऐसी बहाऊंगी कि जो सुन लेगा ना वो तो तरना क्या, उसका कहते डूबना नहीं, उसका तरना निश्चित हो जाएगा। जो एक बार भी हरि नाम का कीर्तन सुन लेगा, भगवान की महिमा सुन लेगा, उसका तरना निश्चित है। बोले कहते वो गंगा, अगर उस गंगा में नहाओगे ना तो कहते अगर आपको तैरना नहीं आता, अगर आपको तैरना नहीं आता, अगर आप उस गंगा में कहीं अंदर चले गए ना तो डूब जाओगे, मर जाओगे, अगर तैरना नहीं आता। अगर गहरा पानी है, अगर उस गंगा में अगर अंदर चले गए धार में, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। बाकी ये गंगा में अगर डूब जाओगे तो यहाँ तैरना निश्चित है, ये गुरु चरणों की कृपा से, क्योंकि ये गंगा, ये गुरु महाराज की गंगा बह रही है, सत्संग रूपी गंगा। इतने सारे देखो सैकड़ों संत
सैकड़ों हरि भक्त, और जो इस गंगा में डूबता है ना वो तो तरना ही निश्चित है, इसलिए क्योंकि कहते वह कहते हैं ना कि जो हंस कहाँ रहते हैं पता है आपको, मानसरोवर में। हाँ तो वहां कहते उस मानसरोवर में हंस रहते हैं और इस कथा रूपी गंगा में परम हंस रहते हैं। संतों की ये परम हंस संगीता है, बोले ये भगवान की ऐसी महिमा, इसलिए यहाँ परम हंस रहते हैं और ये परम हंसों की गंगा है सुखदेव जैसे, और जन्म हुआ। कहते बोले महाराज, बोले कहने लगे बोले मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी कि तीनों लोक में, बोले बोले वह प्रार्थना करने लगी, कहने लगी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय जय श्री राधे श्याम। तो पार्वती कहने लगी बोले आप तो विश्व के नाथ प्रभु और सदा ही बोले एक रस में रहते हैं, इसलिए हे नाथ आप कृपा करो मुझे भी वह अमर कथा सुनाओ, जिससे वह कथा सुन करके मैं भी अमर हो जाऊं, क्योंकि आप मेरे ही नाथ नहीं हो। पार्वती कहती आप मेरे नाथ नहीं हो, आप तो विश्व के नाथ हो और विश्व के कल्याण करने के लिए आप मुझे वह अमर कथा सुनाओ, जिस कथा को सुन करके बोले मैं भी भगवत प्राप्ति का मार्ग मेरा खुल जाए, मैं भगवान के दर्शन करूं इन नयनों से। वह इस प्रकार वह प्रार्थना करी तो वह भगवान शंकर कहते हैं धन है धन है धन है। बोले पार्वती तूने बड़ा अच्छा बोले प्रश्न करा है और ये सकल जगत के कल्याण करने इस प्रकार कहा, और वह कहने लगे बोले पार्वती बोले चलो हमें ना बोले कैलाश से अमरनाथ को चलते हैं और वहीं एकांत में, क्योंकि वहाँ कोई जीव जंतु नहीं है कोई अधिकारी, क्योंकि जो अधिकारी होता है उसी को यह अमर कथा सुनने को मिलती है, इसलिए पार्वती तेरे से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है और तुम चलो और हम चलें अमरनाथ की गुफा में और वहीं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और माँ भगवती अमरनाथ आ गए। इधर ठंडी का समय है, जैसे ये ठंडी पड़ रही है, अब ठंडी का समय था इतनी बर्फ गिर रही हवा चल रही, अब वहाँ पर है ना कहते एक सुक मतलब पत्नी पत्नी पति और पत्नी दोनों रहते थे, अब ज़्यादा पानी बरसात होने लगी हवा चलने लगी तो वह दोनों पति पत्नी वहाँ अंडा दिया, एक अंडा दिया और तूफान आ गया उड़ करके अन्यथा और कहीं चले गए, अंडा वहीं पड़ा रहा और वो पड़े पड़े सड़ गया, अब वह सड़ गया निर्जीव हो गया। और इधर पार्वती और भगवान शंकर जाकर बैठते हैं ध्यान लगाते हैं, बोले पार्वती बोले मैं कथा करूँगा और तुम ओंकारा देना ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई है तो नहीं, बोले प्रभु कोई नहीं है, बोले यहाँ तो बस हम ही हैं दोनों। अब है भगवान शंकर ने भाव समाधि लगा ली, क्योंकि जब कथा भगवान शंकर कहते ना कोई भी कथा करते तो अपना भाव समाधि लगा कर ही करते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग ध्यान करते हो पूजा करते हो तो भाव से तो करते हो तभी तो उसका फल मिलता है। तो भगवान ने भाव समाधि ली और कह दिया कि बोले पार्वती तू है ना ओंकारा भरना और मैं कथा कहूँगा। पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु आप बोले कथा करो कथा शुरू करो। अब भगवान ने जैसे ही कथा शुरू करी पार्वती सामने बैठी, भगवान आमने सामने बैठकर कथा शुरू हो गई, पहले दिन की भागवत कथा हुई। जैसे ही पहले दिन की भागवत कथा हुई तो जो मरा हुआ अंडा
चिपड़ा हुआ अंडा पड़ा हुआ था वह एकदम गोल हो गया, बोले उसमें प्राण आ गए। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, जिस प्रकार कथा बढ़ती गई वैसे ही वह अंडे के अंदर वह बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तीसरे दिन की, चौथे, इस प्रकार कहते हैं कथा शुरू होती गई और वह प्राण बना उसमें सजीव होते होते और वो बच्चा बड़ा हो गया। और जैसे ही भगवान जन्म लेने वाले थे ना, और वो अंडा फूट गया, इतना प्रसन्न हो गया, क्योंकि जब प्राण आ गए सब कुछ आ गए, अब वह उससे रहा नहीं गया गुना कि मैं भी भगवान को देखूंगा, ठीक है, क्योंकि भगवान का जन्म होने वाला है और मैं भी देखता हूँ। बोले कैसे भगवान है कन्हैया, जैसे ही कथा शुरू हुई मैंने जन्म की, बच्चा बाहर आ गया और पार्वती जी सो गई, नींद आ गई, गुरुराटी भाव समाधि में सो गई, वो भी नींद आ गई। इधर नींद आ गई तो जो छोटा सुख का बच्चा था उनने कहा अगर मैं हुंकारा नहीं दूंगा तो कथा सुनने से वंचित हो जाऊंगा, क्योंकि वह एक के लिए कथा थोड़ी हो रही थी, क्योंकि वो कथा तो आप लोग के लिए हो रही थी, इसलिए वह सुख का बच्चा है ना वो कहने लगा ओम ओम। जैसे ही बाबा शंकर जी कहते पार्वती ऐसा हुआ हूँ, इस प्रकार कहते कहते जैसे ही भगवान की लीला शुरू हुई, जन्म हुआ और भगवान ने जैसे ही लीला शुरू हुई ऐसे ही फिर कहते पार्वती फिर आगे क्या हुआ बताऊं, इतना कहा और वह कहने लगी, एकदम से उठ गई, नेत्र खोले, बोले प्रभु आगे क्या हुआ, तो बोले तूने सुना नहीं, बोले सारी रामायण हो गई और फिर पूछती है कि राम जी कौन है और लक्ष्मण जी कौन है, बताओ सारी रामायण देखी आपने, इस प्रकार कहा तो कहते बोले मैं तो बोले सो गई थी प्रभु। अरे तू सो गई थी फिर ओंकारा कौन दे रहा था, इधर उधर देखा तो छोटा सा बच्चा सुख का पीछे पड़ा हुआ था, पीछे बैठा हुआ था, जैसे ही देखा भगवान शंकर ने और क्रोध आ गया, उन्होंने कहा देखो ये कथा सुनने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि ये निगुरा है और निगुरा है इसलिए बोले इसने कथा सुन लिया, क्योंकि अभी ये शिष्य नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं कि जो निगरे होते हैं ना कहीं भी जाते हैं कोई भी सत्कर्म करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है तो सही कहता है, इसलिए कहते हैं कोई भी दान पुण्य करो, कोई अच्छा कर्म करो, वह तभी लगता है जब आप किसी गुरुमुखी हो जाओ। तो अगर गुरुमुखी हो जाते हो और कोई काम करते हो ना, देवता लोग प्रसन्न होते हैं और वो उसका दान जल्दी से ले लेते हैं। अगर आप निग्रह है तो रस्ते बसते रहो, भटकते रहो। कई भगत लोग आते हैं कहते हैं महाराज बोले बड़े दुखी हैं, बोले ये हो गया ये हो गया, तो मैंने कहा भाई अपने गुरु महाराज की प्रार्थना करा करो और अपने गुरु जी से बोला करो। कहते गुरु क्या होता है, बोले हमने तो कभी बनाए नहीं और सोचा भी बाकी कोई गुरु मिले ही नहीं हमको अभी तक, तो वह सोचो अभी तक पूरा जीवन बीत गया और गुरु कहीं मिले ही नहीं पूरा संसार में, तो कहते कितना, तो कहते गुरु मैंने गुरु बनाने के लिए कहते हैं ये ऊपर की नज़र नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु तो जगह जगह है, क्योंकि गुरु बनाना नहीं पड़ता, गुरु है ना स्वयं ही तुम्हारे पास चले जाते हैं, बहुत गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु स्वयं तुम्हारे पास आ जाते हैं, वह सदगुरु ऐसी कृपा करते हैं। इसीलिए तो ध्रुव जी जा रहे थे और नारद जी सामने प्रकट हो गए, क्योंकि ये तो इसलिए जब इस प्रकार वह पार्वती कहने लगी बोले ये आवाज किधर से आई, तो देखा पीछे छोटा सा चुग्गे का बच्चा। जैसे ही भगवान को क्रोध आया, उन्होंने कहा ये अधिकारी नहीं था और इसने अमर कथा सुन ली, बड़ा क्रोध आया और ऐसे ही उन्होंने त्रिशूल छोड़ दिया मारने के लिए। जैसे ही त्रिशूल छोड़ा और जो सुख तोता है ना एकदम से उड़ा, फटफड़ाता हुआ भागते 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 और वो सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ आ गया। और वहां पर कौन सा आश्रम था जहां पर व्यास जी रहते थे, साम्यप्रश्य, बोले वहां पर बोले दोनों व्यास और व्यास पत्नी दोनों बैठे थे, अब बूढ़े हो गए वृद्ध हो गए, कहने लगे अब वह तोता उधर से उड़कर आ रहा, चुग्गे का बच्चा उधर से अमरनाथ से जो उड़ा तो बद्रीनाथ तरफ आ रहा,
अब बद्रीनाथ तरफ आ रहा और पति पत्नी दोनों बात कर रहे हैं। बोले सरस्वती नदी के किनारे वह ब्यास जी कहते हैं, अरे भगवान, बोले हमारे किस्मत में कोई बच्चा है नहीं, क्योंकि अब तो वृद्ध हो गए और मैंने इस प्रकार की बातें कर रहे दोनों पति पत्नी। बोले हम तो बूढ़े हो गए, अभी कोई हमारे यहाँ कोई लाल गोपाल आए ही नहीं। बोले इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे, बात करते करते जैसे ही उबासी आई, जैसे ही मुंह फाड़ा, वैसे ही वो चुग्गा उड़ता हुआ आया और अंदर माँ के पेट में चला गया। वह सरस्वती नदी के किनारे जहाँ पर ब्यास पत्नी बातें कर रही थी उनके पेट में जाकर के और गर्भ में जाकर बैठ गया। अब है त्रिशूल, जैसे ही भगवान शंकर का त्रिशूल एकदम बंदूक की गोली तरह आ रहा है पीछे पीछे उड़ते हुए, आगे चुग्गा और पीछे त्रिशूल आ रहा, और जैसे ही वह ब्यास पत्नी के पेट में गया वैसे ही त्रिशूल खड़े हो गए एकदम थानेदार की तरह। बोले किधर गया? बोले नहीं तो भाई मारता हूँ। अब वो तो छुप गया, चुपचाप शांत हो गया, शांत स्वरूप में हो गया। अब त्रिशूल उधर ही घूमते रहे घूमते रहे, और जब दिखा नहीं तो चला गया। अब चला गया, अब इधर सुखदेव जी 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, ऐसे 12 साल हो गए वह पेट में ही बैठा है, पेट में बैठा है। और इधर वेद धोने की आवाज़ आ रही है, वेद धोने की आवाज़ आती है पेट में से। वह ब्यास पत्नी कहती है, बोले बोले प्रभु, बोले मेरे पेट के अंदर से वेदों की ऋचाओं की आवाज़ आती, वेद मंत्र बोले गुंजायमान होते हैं। बोले जब इस प्रकार कहा तो ब्यास जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, जरूर कोई महापुरुष है, तभी तो वह वेद ध्वनि निकल रही और हाथ जोड़ लिया। अब वह कहता है, बोले वह कहते हैं, अरे भाई जो पेट के अंदर जो बालक है उससे प्रार्थना करते, कहते भैया अब तो निकलिया, क्योंकि तेरी माता को बड़ा कष्ट होता है क्योंकि बुढ़ापा है और 12 साल हो गया। बोले तुम बाहर आ जाओ। तो वह अंदर से आवाज़ आती है, बोले मैं बोले बाहर नहीं आऊँगा बाबा, क्योंकि मैं बाहर आऊँगा तो मुझे भगवान की माया मोहित कर देगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो ब्यास जी को बड़ा घबराहट हो गई, कहता नहीं आऊँगा। उसने कहा कि अरे भाई आ जा, कहते बोले नहीं आऊँगा नहीं। तो कहते कैसे आओगे? तो कहते मैं तभी आऊँगा जब मुझे भगवान की माया व्याप्त नहीं होगी, तब आऊँगा, और वो भी भगवान कहेंगे तो ही, नहीं तो मैं ऐसे आने वाला नहीं हूँ। तो ब्यास जी ने प्रार्थना करी, बोले द्वारकानाथ, बोले जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज बताई ना, इस प्रकार बोले ये ठाकुर जी कृपा करो और ये जो गर्भस्थ बालक है इसको बाहर निमंत्रण दो ताकि आ जाए। जब भगवान है ना द्वारकानाथ आए, और जैसे ही आए और भगवान ने कहा भाई बाहर निकलिया, बोले मेरी माया बोले तुझे व्यापेगी नहीं, बोले तू इस प्रकार जब कहा, इस प्रकार कहते ही वह जन्म लिया और जन्म लेते ही वह चल दिया। जय जय श्री राधे श्याम। इधर नारद कृत्यम द्वैपायनो मीराकातुर आजुआवा पुत्रेति तन्मे तया तर्वो बिनेन्दो तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। जब इस प्रकार वह जंगल के लिए निकल गया, इधर सुखदेव भगवान का कहते इस प्रकार जन्म हुआ, वह जन्म हुआ और माँ भगवती को भी वह अमर कथा सुना दी, और वह सड़े हुए अंडे से कैसे जू वह प्रकट हो गया कथा सुनने से। कहते कथा ये संजीवनी है, कहते ये कथा संजीवनी है, और कहते जो कहते इस कथा को श्रवण करने से कहते पूरा विश्व में कैसा भी पापी हो दुरापी हो, बोले इस कथा सुनते ही कहते वह सजीव हो जाता है, भगवान के समीप आ जाता है। इसीलिए कहते वह गर्भ से वेद मंत्र की ध्वनि सुन करके और वह भी तरुण हो गया, क्योंकि वह तो कहते भगवान का ही अवतार था, कहते हर और हरि का अवतार था। इसलिए फिर इसके बाद में जैसे ही वह हुआ और वैसे ही कीर्तन होने लगा।
जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि जय जय राधा रमण मासीन आविद्याए मामति कथामृत रसास्वादम कुशलः सोनको ब्रवी आइए हम नेमिशरण तीर्थ में चलते हैं और वहाँ पर 88,000 कहते 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और वह प्रार्थना करते हैं भगवान से नेमिसे सूत मासेन और नेमिसरान में कहते ऋषिगण बैठे हैं और वहीं पर सूत जी महाराज आए प्रकट हो गए सूत जी महाराज उनके बीच में सूत जी और चलचा चल रही है कहते महाराज कहते ऐसी कृपा करो क्योंकि आप तो श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप तेजस्वी भी है और कथा अमृत स्वाद कहते और वो 88,000 ऋषि मने इतने तपस्वी है कि वो कथा सुनने में प्रवीत हैं
वैष्णव है कहते बड़ी बड़ी उम्र के, ऐसे ऐसे उम्र के संत बैठे हैं द्वापर त्रेता हजारों, कहते वह बैठे हैं और कथा सुनने में कुशल है, और वहीं पर कहते वह कथा मत उसका रोसा स्वादन करने के लिए वह कुशल है। इस प्रकार वह मन प्रवीण है, जिस प्रकार आप लोग हैं ना, कहीं कथा हो कहीं भी कोई भी कार्यक्रम धार्मिक हो तो आप कहते ना कि अब तो कथा बहुत ध्यान लगा कर सुनता, तो इसी प्रकार वह ऋषि मुनि वैष्णोजन बैठे हैं कथा सुनने के लिए। वह बैठे हैं कहते तीरथ परम नेम विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध दाता। तीरथ परम नेम विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध दाता। तीरथ परम नेम विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध दाता। तीरथ परम विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध दाता। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवऊ चो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवऊ चो दशरथ अजर बिहारी। द्रवऊ चो दशरथ अजर बिहारी। नेमी स्नान क्षेत्र में कहते वह कहते नेमी स्नान तीर्थ जो है श्रेष्ठ है, और वह तीर्थों में श्रेष्ठ नेमी स्नान जो अत्यंत पवित्र है और साधक को सिद्ध देने वाला है, और वह किस प्रकार कहते नेमी स्नान की पहचान हुई, मतलब किस प्रकार प्रकट हुआ। कहते एक बार ऋषि कहते संत लोग विचार करने लगे कि हमें इतना बड़ा अनुष्ठान करना है, तो बोले कहाँ करें। तो वह विचार करते करते और वह ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और उन्हें पता है कि कौन से लोक में क्या है किधर क्या है, वह ब्रह्मा जी है। जैसे कहते भगवान विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, श्रृंगार भगवान शंकर करते हैं, तो इस प्रकार ब्रह्मा जी से उन संतों ने कहा कि चलो बोले ब्रह्मा जी से पूछते हैं। अब है सारे ऋषिगण ब्रह्मा जी से गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, बोले महाराज कोई ऐसी उत्तम जगह बताओ जिसका मैदानी इलाका हो, सारा कुछ बढ़िया हो वहाँ का वातावरण, और वहाँ पर हम लोग यज्ञ करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं ये चक्र मनमय चक्र बोले छोड़ता हूँ, और आप संत लोग हैं ना इसके पीछे पीछे आप लोग चलना, और जहाँ ये शांत हो जाएगा जहाँ ये चक्र गिर जाएगा वहाँ समझ लेना कि ये पवित्र जगह है। ब्रह्मा जी ने वह मनोमय चक्र छोड़ा और वह घूमते घूमते पूरे पृथ्वी पर चक्कर मारते मारते और वो चला गया नेमी सरान। नेमी सरान गया और वहाँ जा कर के वह जंगल में गिर गया, मैंने पर्वत था पहाड़ वहाँ जाकर गिरा, तो उस जगह का नाम हो गया चक्कर तीरथ। आप गए होंगे, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं नहीं गया बाबा जी, इसलिए ज़्यादा कथा भी पता नहीं गया, इसलिए वह वहाँ जाकर कर गिर गया। और संतों ने सोचा यही पवित्र भूमि है, अब वहाँ जाकर के वह विचार करने लगे। वह कहते उसको कहते नेमी सरान चीत, क्योंकि नेमी सरान जो है वहाँ पर अब इतना सुंदर भागवत का आयोजन होने वाला है, तो ऐसे ही कहते इस प्रकार वह सोनक कहते विद्वानों में सूत जी कथा सुनाते, मैंने उनमें सूत जी बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं, और वो रसा स्वादन कराने के लिए उन ऋषियों भी कहते उत्तम है, इसलिए
अज्ञान दमंत विध्वंस कोटि सूर समय प्रभा सूत अज्ञाय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। वह जैसे ही सूत जी से कहते महाराज, वह ऋषि लोग क्योंकि इतने वह कहने लगे, बोले महाराज, बोले किस प्रकार की कथा सुनाओगे, क्योंकि हम जो सुनना चाहते हैं वो ही सुनाओ। क्योंकि वह कहते ऐसी कथा सुनाओ जो अज्ञान को दूर कर दे, मन हमारे मन का अंधकार है उसको दूर कर दे। बोले ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को वह दूर कर दे, वह विध्वंस कर दे, और ऐसी कथा सुनाओ। तो इस प्रकार, क्योंकि महाराज आप कोटि सूर्य के प्रभाव के मने कोटि सूर्य समय प्रभा आप है ना, क्योंकि आप इतने कुशल है और इतने बोले तेज हैं, जो हजारों सूर्य के बराबर आपका तेज है और आप ज्ञानवान हो, इसलिए सूत कथा सारम मम क्रम कर्ण रसायनम। बोले आप बोले बोले ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कर्ण को बोले अमृत के समान लगे, बोले ऐसी कथा सुनाओ। बोले संत लोग कहते हैं, और संत लोग ही सुनते हैं, भक्त लोग ही सुनते हैं भाई, क्योंकि जब अच्छी कथा होगी तभी तो आप लोग आओगे, और नहीं तो नहीं आओगे, अच्छे नहीं लगेगी तो, क्योंकि कथा तो बहुत होती है। बाकी देखो कथा करने वाले गुरु जी हैं, हमारे गुरु लोग बैठे हैं, ठीक है, और सुनने वाले भी गुरु जी। बोले तुम भी राम मैं भी राम, क्योंकि क्यों, क्योंकि आप लोग कम थोड़ी हो भाई, आप लोग ने ऐसे थोड़ी आ रहे हो, अरे आपने कितनी बाबा हरिहर के यहाँ रोटी टोड़ी है, कितनी सेवा करी है, तुम्हारे ऐसे नहीं आ रहे हो, आप कोई मामूली नहीं है, इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना, आप भी भगवान के भक्त हो। इसलिए कथा सारम बोले मेरे कर्ण को कहते रसायन, बोले ऐसे अमृत हो कि जो मजा आ जाए, बोले ऐसी कथा सुनाओ। बोले सूत जी आपका अज्ञान कहते ज्ञान और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने में करोड़ों सूर्य के समान, इसलिए आप हमारे कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाली कथा सुनाओ महाराज। बोले ठीक है जी। वक्ता भक्ति ज्ञान बेराग अप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश च वैष्णवो क्रियते कथम। बोले कैसी कथा सुनाऊं, तो कहते महाराज कहते भक्ति और ज्ञान, कहते महाराज ऐसी कथा सुनाऊं कि जो भक्ति को बढ़ाने वाली हो, कहते भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने वाली हो। बोले ऐसी कथा सुनाओ बोले ताकि है ना, बोले हम संसारी लोग हैं, बोले जैसे आप लोग के लिए संत, अरे तो कहते बोले ऐसी ऐसी कथा सुनाओ महाराज कि मेरे हमारा ज्ञान को बढ़े, क्योंकि आप लोग आते हो ना अच्छी कथा सुनाओ। बोले कई लोग कहते हैं बोले अच्छी कथा सुनाओ, बोले तो अच्छी कथा जब आप सुनोगे तब ना, इसलिए कहते बोले भक्ति ज्ञान बेराग आप तो बोले वह कहते भक्ति और ज्ञान बेराग के युक्त हो, और वो हमें बेराग प्रदान करने वाली हो कि हम सुने और हमारे मन में सहजता पाओ, सहज भाव आए, नमना हो, अच्छा लगे। बोले ऐसी कथा सुनाओ जिसको विवेक वर्धते महान। बोले आप कहते आप है ना विवेक को बढ़ाने वाली हो, ज्ञान को बढ़ाने वाली हो, जिससे कहते उसको सुन करके और हम सहज हो जाएं। बोले ऐसी कथा सुनाओ, और कहते माया मोह निराश सच, बोले वह ना माया मोह का उससे नाश हो जाए, बोले ऐसी कथा सुनाओ। तो कहते बोले महाराज बोले आप ऐसे ही हो, बोले आप ऐसे संत हो जो वैष्णव हो, क्योंकि जो वैष्णव सुनते हैं कहते निराश वैष्णव कृते कथम। बोले बोले जो वैष्णव कहते महाराज बोले ऐसी कथा सुनाओ ना जिस कथा को सुन करके बोले हम वैष्णव बने रहे, वैष्णव बन जाए, बोले वैष्णव बन जाए। बोले ऐसी कथा सुनाओ बोले वैष्णव भक्तों ने जो कही हो,
बोले ऐसी कथा सुनाओ। कहते वह कथा भक्ति ज्ञान बिरा को प्रदान करने वाली हो, जिस माया मोह को नाश हो और जिसो कहते जिससे वैष्णव भक्तो कहते वैष्णव भक्त ने कही हो। बोले ऐसी कथा सुनाओ। बोले कई कहते ना, बोले बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा से सुनते हो। कहते फलाना महात्मा करेगा तो, क्योंकि ऐसे ही सूत जी महाराज थे, क्योंकि वो कहते संतों में श्रेष्ठ थे। बोले छोटे से थे, कहते छोटे से 20 साल के सूत जी, और कहते युग दो युग बोले त्रेता द्वापर पता नहीं कितने कितने बड़े संत, और सूत जी 20 साल के हैं और वो कथा करेंगे। और सारे जैसे कई बड़े बड़े संत जो कहते हजारों सैकड़ों बड़े बड़े संत उनकी कथा सुनने के लिए, तो कहते ऐसे भक्त सुना। क्योंकि फिर कहने लगे बोले महाराज इसके आगे कहते हैं, काल बयाल मुखाग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन वासितम। बोले महाराज बोले ये कलयुग है, ये कलयुग रूपी अजगर है ना, ये कितने मुंह फाड़ कर बैठा है। और कब बोले कब घड़ी आ जाए मरने की कोई पता नहीं, तो बोले इसलिए ये काल रूपी अजगर मुंह फैला कर बैठा है और कब ये अपना ग्रास बना ले बोले कोई पता नहीं। तो इसलिए बोले इस बोले ऐसी कथा, इसलिए बोले ये श्रीमद् भागवत जो बोले कथा है ना, ऐसे सुखदेव जी महाराज ने वह कलो किरेन भाषते बोले ऐसी कथा सुनाई। बोले इस भगवत बोले भागवत रूपी ये कथा है ना सुन करके, और वैष्णव जन बन गए। बोले ये कथा सुखदेव जी ने सुनाई थी। बोले इस प्रकार सूत जी कहते हैं, तो वह इस प्रकार कहा तो वह प्रसन्न हो गए। बोले वाह वाह, बोले ये सुखदेव जी ने सुनाई है। बोले और कई को तार दिया, बोले महाराज बड़े बड़े राक्षसों को तार दिया बड़े बड़े, इसलिए बोले काल ब्याल ये मुख बोले खोल कर बैठा है, इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन के वासितम। इसलिए कहते ये कथा है ना बोले सुखदेव जी है ना अपने पिताजी ने सुनाई, और पिता से बोले हम तुमको सबको सुनाई थी, इसलिए ये भगवान की प्यारी कथा है। बोले इसे काल रूपी महान सर्व ये ग्रास बनाने के लिए ये मुंह फैला कर बैठा है। इसलिए फिर आगे क्या कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुन्नम तदा भगवतम लभेत। के बोले बोले ये कथा ऐसी सुलभ नहीं होती है, क्योंकि मना ये कथा जो है ये ऐसी नहीं तुम्हें मिली है, क्योंकि इसके लिए कितने बड़ा पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है कि जन्मों जन्मों का कितने पुण्य जब भेले होते ना तब जा कर के कथा सुनने को मिलती है। बोले ऐसी नहीं मिलती है, क्योंकि ये कहते कहते बड़े बड़े कहते हमारे पूर्वज से पूर्वज देखो कितने तुम्हारे माता पिता ने कितना पापड़ बेला होगा, कभी हरिद्वार जाए गंगा में तो कभी वृंदावन तो कभी यमुना जी तो कभी कहीं हर जगह देवी देवताओं के यहाँ बोले प्रार्थना करी तब जा कर के आप जैसे भक्तों का जन्म हुआ है, क्योंकि उनने कितने पुण्य करे होंगे कि तुम संतों के भक्त बने। क्योंकि माता पिता कहते हैं ना जैसे आप लोग लेकर आते हो, आप लोग अपने छोटे बच्चे को लेकर आते हो कि चलो गुरुजी के यहाँ डोंग देना बोले मत्था टेकना, बोले गुरुओं का चलो बोले चलो गुरुजी के यहाँ दर्शन करना संतों को मत्था टेकना। हमारे माता पिता कहते हैं ना मंदिर में ले जाते हैं जहाँ ये उठाकर उधर रख दो भैया, ये भी हमको कहना पड़ता है बताओ, क्योंकि ये कथा में आ जाएगा ना। हाँ अरे भाई पुजारी जी इसको जय जय राधा रमन हरि मो, 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 जय जय राधा
राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण हरि हो। तो कहते हैं ऐसी कथा सुनने के लिए नहीं मिलती है, ना किसी संत के दर्शन होते हैं, ना इतना अच्छा घर मिलता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जैसे अब आप लोग हो, ठीक है, अब कोई गरीब है, कोई कैसा है, तो इसके लिए बड़ा पुण्य चाहिए। और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मैं खूब पुण्य करूं, जितना मेरे पास आप देते हो पुण्य दान पुण्य करूं, और अगले जन्म में इससे भी बड़ा भक्त बनूं और खूब मैं सेवा करूं गुरुजनों का। कई भक्त कहते हैं कि बोले महाराज मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में भी मैं संतों की सेवादार बनूं, क्योंकि इसलिए तो कहते हैं कि संतों का सेवादार बनना ये कहते हैं ये भाग से ही मिलता है, और ये सौभाग्यशाली जीव होते हैं ना वही ये सेवा लेते हैं, अन्यथा कोई ले नहीं सकता, क्योंकि दुनियादार के लोग तो कोई रुपया मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई कुछ मांगता है, भगवान से कुछ कुछ मांगता है, बाकी सेवा कोई बिरला ही भक्त मांगता है। और कहते सेवा में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं है, क्योंकि जो भगवान का सेवादार होगा ना तो वह हर जगह भगवान के साथ कहते सहयोग करेगा लीला में। इसलिए देखो भगवान शंकर भी कहता पार्वती से कि पार्वती जी बोले मुझे भी ले चलो, बोले तो उनने कहा कि यहाँ पुरुषों का प्रवेश निषेध है, तो कहते नहीं बोले मैं है ना बोले मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूँगा जब तो पहचानेंगे नहीं। तो भगवान भी कहते भगवान की सेवा करने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, इसलिए आप लोग अपने आप को कम नहीं समझना, आप बाबा हरिहर के प्रकर हो और उस गोलोक धाम के वासी हो। इसलिए कहते जैसे जिस प्रकार कहते वृंदावन में है ना सारे देवी देवता, जैसे कहते जितने भी ऋषि मुनि थे रामराज के सतयुग के, सबकी अभिलाषा थी कि बोले भगवान हमको इस प्रकार मिले, गोपियां कहते इस प्रकार मिले, तो वो सारी गोपियां है ना फिर भगवान ने कहा कि बोले अभी नहीं, बोले जब हमारा कृष्ण अवतार होगा ना तब तुम बोले वहाँ जन्म लेना और मेरा सहयोग करना। तो उनने सब ने जब भगवान कहते द्वापर आया तो सारी गोपियां जितने ग्वाल वाल सब बोले वहाँ जन्म हो गए। तो इसलिए अब भाई अब आप लोग गुरुजी अगर कुछ कह दे और फिर आप नाराज हो जाते हैं तो हमारा क्या कसूर है, क्योंकि तुम तो जन्म जन्म के साथी हो। इसलिए गुरुदेव डांटते हैं और तुम फिर गुरुजी को कहते हो गुरुजी आप तो हमको ऐसे कहते हो वैसे कहते हो। अरे भाई हम वैसे ऐसे क्या कहते हैं, सेवा की तो कहते हैं कि जल्दी आओ सेवा करो, कुछ कभी ये करो, तुम लोग तो आओगे मटर पनीर बन गया, ले लिया इतना बड़ा थाल भर करके और बस बोलो हो गई कथा हो गई दर्शन। तो ये अपने घर के भगत ऐसी कोई बात, तो इसलिए सेवा ये कठिन नहीं मैंने बड़ा कठिन है मानव शरीर, इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा पुण्य से मिलता है। और बिना सत्संग के कहते बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई, क्योंकि ये भगवान की कृपा से ही बोले ये शरीर मिलता है। संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु न कोई। आगे अब इस प्रकार जैसे ही ऋषि मुनियों ने कहते कथा होने वाली है, मैंने सुखदेव जी कथा करने वाले हैं, तो इधर क्या होता है भगवान की लीला देखो, कव सुधा कव कथा लोके कव कांच कव मनिर्मान, ब्रह्म रातो विचार्यम तदा देवांज आसहा। हाँ, जैसे ही कथा होने वाली है
कि सुखदेव जी कथा कर रहे हैं, राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और उनकी कहते मृत्यु होने वाली 7 दिन में, जैसा ही पूरे पृथ्वी पर की कथा होने लगी, सारे संतों से सब ने देखा, यहाँ तक कि देवताओं ने भी देख लिया कि कथा होने वाली है। तो कथा होने वाली है तो देवताओं को लालच आ गया कि बोले कथा मृत प्राण बोले भैया राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे। तो उनने कहा कि भाई क्यों ना बोले बोले कथा हम ले लेते हैं और इनको स्वर्ग का अमृत दे देते हैं तो इनका भी काम हो जाएगा, बोले परीक्षित मरेगा नहीं और हमको कथा जैसे ही सुना ना तो देवता लोग बोले चले आ रहे बोले आकर के, और जहाँ पर कथा होने वाली थी वहाँ अमृत का कलश लेकर खड़े हो गए, कहने लगे बोले महाराज बोले सुनो बोले बोले संत जी बोले एक सौदा करने आए बोले हम, बोले क्या, तो जो तुम कथा सुना रहे हो ना वह राज ऋषि परीक्षित को बोले ये कथा है ना बोले हमको दे दो और हम है ना स्वर्ग का अमृत इसके लिए लाए हैं राजा के लिए, ये बोले आप ले लो जब इस प्रकार का, और हम लेकर के चले जाएंगे और कथा बोले अमृत पिला जाएंगे तो राजा भी राजा का भी काम हो जाएगा और हमको कथा अमृत आपके मुख से जो प्रसाद है वो हमको मिल जाएगा। इतना कहा तो वह सुखदेव जी हंसने लगे बोले ओहो कितने ये देवता लोग सारथी है, कितना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बोले क्या क्या करते हैं, क्योंकि किसी का स्वार्थ हो ना, इसलिए कहते देवता लोग आकर खड़े हो गए प्रार्थना करने लगे। तो सुखदेव हंसने लगा बोले हटो बोले कहाँ बोले ये बोले स्वर्ग का अमृत कांच और ये मृत्यु लोक में ये कहते महान भगवान की कथा, तो बोले ये है ना ये इतना सच्चा सौदा नहीं है बोले बोले जाओ बोले तुम इसको लेकर के बोले ये तुम्हें कथा बोले मिलने वाली नहीं है बोले तुम बोले है ना और कहीं दो बोले और कहीं जाकर बोले हमारे यहाँ बोले इस कथा मत पंडाल में है ना ये तुम्हारा स्वर्ग का भी अमृत फीका है बोले इससे बोले इसका कहते क्यों, तो कहते ये देखो स्वर्ग में है ना वह कर्म करते करते मन कर्म कर को मन पुण्य कर करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ठीक है स्वर्ग की प्राप्ति होती है बोले महाराज, और जब पुण्य खत्म हुआ और फिर मृत्यु लोक में गिरना पड़ेगा, इसलिए कहते ये ठीक नहीं है बोले तुम जाओ और ये इसको भी लेकर जाओ। तो वह देवता लोक को भगा दिया, देवता लोक को भगा दिया वह महाराज बोले ये कथा तुम्हें नहीं मिलने, तो क्यों बोले क्यों, क्योंकि देवता व्यापार करने आए इसलिए आचार्य सुखदेव जी ने कथा मृत से उन्हें विंचित कर दिया, उन्हें दिया नहीं, जो कहते अभक्त है उसको ये कथा मिल नहीं सकती बोले क्योंकि तुम अभक्त हो, क्योंकि ये कथा तो यही मिलती है, अरे भाई स्वर्ग में नहीं मिलती है। इसलिए तो हनुमान जी ने कहा बोले ठाकुर जी ने जब वह राम जी है ना वह अपने साकेत जहाँ जाने लगे तो हनुमान जी को भी कहा कि हनुमान जी तुम भी चलो, तो कहते हाँ जी महाराज चलते हैं। तो बोले एक बात बताओ बोले वहाँ पर बोले बोले तो वहाँ पर है ना भगवान की कथा मिलेगी, बोले ये मिलेगा वो मिलेगा जो चीज़ यहाँ की है बोले वो मिल जाएगी, कहते वहाँ तो नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ तो संकल्प करो और हो जाता है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे कल्प वृक्ष के नीचे बैठोगे ना और जैसा संकल्प करोगे वैसा मिल जाएगा, तो कहते वहाँ तो स्वर्ग में तो कल्पना करो और तुम्हारे लिए है ना एम्बेसडर गाड़ी आ जाएगी बढ़िया आ जाएगा जो कहोगे वो आ जाएगी, क्योंकि वह क्योंकि वह और फिर है ना तो ऐसे ही देखो कि जैसा सोचोगे ना वैसे ही मिलेगा। तो अब एक आदमी है ना उसको तो पता नहीं था क्योंकि इससे क्या फायदा होता, अब वो गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और जाकर के क्योंकि वो कल्प वृक्ष था, अब उसे तो पता नहीं कि कथा से क्या होता है कल्प वृक्ष से क्या होता, क्योंकि आपने देखा होगा कल्प वृक्ष से क्या होता। तो वह गया और सोचने लगा सोचने लगा अरे भाई बड़ी भूख लग रही है बोले कहीं से अगर बाटी दाल बाटी चूरमा आ जाए ना तो मजा आ जाए, खाओ दाल बाटी चूरमा और रहो मस्त बोले। इस प्रकार कहते भाई इस प्रकार सोच रहा है ना तो बढ़िया सोने की थाल में वह दाल बाटी चूरमा आ गया, अरे उन्होंने कहा ये क्या बोले यहाँ तो कोई है नहीं आ कैसे आ गया,
अब उसे तो पता नहीं कि ये वृक्ष के नीचे बैठा हूँ कल्प वृक्ष के। अब खाया मस्त और कहता है हमें बड़ी नींद आ रही है, अगर पलंग होता ना बढ़िया गद्दा बिछा होता तो मैं बोले बढ़िया सो जाता हूँ। ऐसा कल्पना करा और बढ़िया गद्दा रजई आ गई, दल्लभ का गद्दा आ गया, पलंग आ गया और वह उन्होंने कहा अब सो गया, अब सो गया। अब जैसे ही सोया ना वैसे ही कल्पना करा उसने, अरे कहीं मेरी आंख लग गई और जंगल का मामला, कहीं शेर आया और खा गया तो जय सिया राम। ऐसा सोचा कि जैसे ही शेर आया और फट से खा गया, बोले कल्पना करना था क्योंकि कल्प वृक्ष है ना, जो सोचोगे वो फट से मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं वह व्यापार करने आए तो उन्हें दिया नहीं, भगा दिया। जब भगा दिया क्योंकि ये अभक्त है, इसलिए ये अगर स्वर्ग के अमृत स्टेट होता तो उसके बदले में कथा अमृत लेने क्यों आते, क्योंकि अगर वो इसलिए क्योंकि अब भाई स्वर्ग का अमृत कितना होगा पता नहीं कब से चला, क्यों महाराज इतना एक घड़ा होगा, देवता लोग ऐसे सीख डुबाते होंगे और चाट लेते होंगे, कई ऐसे पानी जैसे पीते तो नहीं होंगे, प्यास लगे ना कि लो भाई एक गिलास और लाओ, इतना नहीं मिलता होगा। सिर्फ सिर्फ वहाँ तो एक सीख ऐसी छुवाई और होठ पर लगा देते हो भाई, चाट ले ज़्यादा है नहीं, नहीं तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत दिन षष्ठी खत्म होने में बहुत दिन है, इसलिए थोड़ा बहुत। तो इसीलिए तो कहते हैं मैं अगर वह अमृत अगर श्रेष्ठ होता तो देवता लोग ऐसे, इसलिए ये कथा अमृत बहुत बड़ी चीज़ है और ये सौभाग्य मेरा भी कि मैं इसे कर रहा हूँ, मैंने तो कभी सोचा नहीं, क्योंकि सत्संग तो कर लेते हैं, बाकी ये हमारे सुशांत मुनि की बड़ी पढ़ाई है, बड़ी मेहनत करी एक एक शब्द, फिर भी कई शब्द छूट रहे, बाकी सब लोग को पता है भाई दिल्ली वाले हरिहर आश्रम के महाराज मैंने ज़्यादा है। इसलिए तो कहते हैं इसीलिए वह अमृत क्या है, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि जाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, 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 अगले समय पर समय नहीं राधे, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, ते पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए
है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा अंत समय हरि नाम नावे अंत समय हरि नाम नावे अंध समय हरि नाम नाए फिर काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या वार्ता सुरा नाम पे दुर्बलम कहते श्रीमद यह श्रीमद भागवत की कथा कहते बड़ी दुर्लभ है इतनी दुर्लभ है कि यह कहते देवताओं क्या कहते बड़े बड़े सिद्ध कहते उनको भी नसीब नहीं होती क्योंकि इस मृत्यु लोक में कहते आप बड़े भागशाली हो जो गुरुओं की सेवा कर करके और ये भगवान की महिमा भगवान का ध्यान भगवान का भजन ये सब कुछ जान लेते हो क्यों तो क्यों कि ये कहते तुम है ना ये कागज के नोट देते हो ठीक है कागज के नोट देते हो सच्चा सौदा ठीक है और गुरु लोग तुम्हें भय बैकुंठ का मार्ग बता देते हैं तो ये कितनी अच्छी बात है हाँ क्योंकि ये आजकल यही ना कि लो महाराज मत्था टेकूँ ये वो बाकी ये नहीं पता है आप लोग को कितना फायदा है इससे इतना फायदा कि मत पूछो अरे भाई 84 के वह जन्म जन्म के भटकने से कहते जीव मुक्ति को पा लेता है और सबका यही रहता है क्योंकि आत्मा कहते मनुष्य जन्म तभी सुलभ है जब तक तुमने कहते वह आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त करा और अन्यथा जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है क्यों क्योंकि वह देखो कहते जानवर है ना जब मनुष्य आपस में लड़ते हैं ना तो सुवांग जानते हैं ना सुवांग बड़ा खुश होता है बोले वह सुवांग है ना बड़ा खुश होता है जब कोई लड़ाई करता कहते क्यों कहते भैया बोले हमारे और इनमें कोई फर्क नहीं बोले बोले हम तो लड़ झड़ कर फिर भी कभी ना कभी एक हो जाते बाकी मनुष्य लड़ झगड़ लेता ना तो मन में है ना गांठ बांध लेता और गांठ बांध लेता ना तो फिर वो गांठ बंदी की बंदी रह जाती खुलती नहीं है वो तो कोई सदगुरु या कोई माता पिता कृपा करे तो खुल जाए नहीं तो जहाँ गांठ बन गई ना और आट पड़ गई तो फिर तो वो खाट पे पहुँचाएगी सीधे फिर ऐसी नहीं खुलने वाली है इसलिए क्योंकि कहते ना कि पुजारी पूजा करे मन में रखे आट हैं और कहते
लड्डू लड्डू अंदर करे और चरना मत दे बाट। हाँ तो इसलिए ये आज ये तो ठीक है, चरना मत से भी फायदा हो जाए, क्योंकि चरना मत भी बहुत फायदा करता है। इसलिए चलो भाई आगे चलते हैं, कथा बहुत बड़ी है। हमारे संत लोग कहते बोले महाराज हिसाब से करना, नहीं तो सारे प्रसंग एक ही दिन में, बोले एक लाइन ही पढ़ो और सारा प्रसंग रह जाए। इसलिए कहते हैं राजा मोक्षम मोक्ष यथा विक्षयम पुरा ददापि विस्मतो सत्यलोके तुला द्वाता तोलाय साधन साधना न्याय चय। कहते ये सत्यलोक में ब्रह्मा जी द्वारा तराजू लेकर आ गए। ठीक है, जब इस प्रकार कहते उन्हें भागवत की महिमा सुनी, जैसे ही भागवत की महिमा सुनी ना, तो जब उन देवता लोग को भगा दिया तो देवता लोग को बड़ा बुरा लगा, तो देवता लोग ना ब्रह्मा जी से शिकायत करने चले गए, चढ़ गए एकदम ब्रह्मलोक में। कहते चलो बोले ये बोले बाबा लोग हमारे कब्जे में नहीं आए, तो ब्रह्मा जी ने जिसने सृष्टि बने उसके पास चलते हैं। वह वहाँ चले गए, कहते सत्यलोक में चले गए और वहाँ जाकर तराजू से कहते महाराज बोले है ना ये अमृत है ना इतना, कहते वह कथा अमृत इतना सुलभ है ना इतना, बोले अच्छा है। तो ब्रह्मा जी को पता लगा, तो ब्रह्मा जी ने वहीं से तराजू नीचे कर दी, बोले देख लेते हैं बोले कौन सा बोले भागवत की महिमा या अन्य शास्त्रों की। तो उनने क्या करा, अब एक तरफ भागवत रख दी और एक तरफ अन्य शास्त्र रख दिए, और ब्रह्मा जी तोलने लगे, और जैसे ही तोलने लगा ना तो ये भागवत जी का पल्ला भारी था वह नीचे बैठ गई, और जो अन्य शास्त्र जो थे वह उड़ करके सत्यलोक में चले गए, जहाँ सिद्ध लोग रहते हैं ना वहाँ चले गए। अब वहाँ चले गए और इधर भागवत की महिमा का ब्रह्मा जी को इतना ज्ञान हो गया, तो कहते हैं इसकी क्या महिमा है, कहते ये स्वर्ग और अपवर्ग, बोले इस भागवत की कहते वहाँ, बोले वहाँ भी नहीं सुलभ मिलती देवताओं, तो देवता बोले उससे ऊपर, बोले स्वर्ग लोक से ऊपर भी कहते सिद्धों का लोक है, उसको कहते अपवर्ग। कहते ना कि तुला ना तोबे अंग, कहते अपवर्ग। वो चौपाई आती है मुझे याद नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि वैष्णव जन है। नाद स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जोले सतसंग। तो कहते उनको भी नहीं मिलती, कहते ये ऐसी कथा सुनने के लिए। तो कहते पाप फलासा बेर भया मृत्यु जहाँ पर नाय, भम रहित तोई अपवर्ग कहाय। तो कहते ये कहाँ पर है और उसकी महिमा क्या है महाराज। तो कहते पैसे पाप, तो कहते उसमें वहाँ पर पाप भी नहीं होता, वह कहते अपवर्ग ना, कहते वहाँ कोई पाप नहीं होता। और फैसे कहते फलासा, कहते वहाँ कोई बैर नहीं होती, कहते कोई दुश्मनी राग दोष नहीं होता वहाँ पर, कहते वहाँ पर क्योंकि वो सिद्ध लोक है, क्योंकि सिद्ध लोक में ना देवता लोग भी नहीं जाते, वहाँ तो सिर्फ संत ही जाते हैं जो सिद्ध हो जाते ना। जैसे आपने सुना होगा बद्रीनाथ के ऊपर जाओगे ना तो वहाँ सिद्ध लोग ही रहते हैं, जैसे सनत सनंदन ये सब बड़े 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 राजा लोग हो गए जो भजन कर को भगवान के, जैसे मुचकुंद हो गया ना, मुचकुंद को भी कहा भगवान ने बोले तुम है ना बोले भजन करो, वो भजन करो और तुम्हारा फिर बोले अगला जन्म बोले नरसिंह भक्त के रूप में होगा, और इसके बाद में है ना तुम है ना बद्रीनाथ के वहाँ पर चले जाना, वो हमारा स्वर्ग लोक है ना, वहाँ सिद्ध लोक है, बोले वहाँ बोले निवास करना। अब जब जरूरत होगी, जब ये सारा जल मल सारा सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर वहाँ पर
वो संत लोग फिर आते हैं, फिर सृष्टि की रचना। तो ये सिद्धों की महिमा ही अलग है, इसलिए कहते हैं ना वहां पर ना बेर है और ना भय है और ना वहां मृत्यु है। बोले जहां पर कहते कुछ भी नहीं है और वहां से अपवर्ग वैसा, कहते अपवर्ग कहा है, बोले वहां सब कुछ बोले समान है, ना बेर है ना दुश्मनी है ना कुछ है ना, वहां तो सिद्ध लोग है। क्योंकि सिद्धों को क्या चाहिए, उनको तो सिर्फ भगवान का नाम चाहिए, इसलिए वहाँ कुछ रहता ही नहीं है। इसलिए हमारा इसलिए सभी कहते सभी ऋषिगण कहने लगे कि कलयुग में भगवान सर्वश्रेष्ठ साधन, इनकी कहते पठन श्रवण से तत्काल बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। बोले अच्छा महाराज, बोले हाँ जी। तो कहते फिर कहने लगे सप्ताहन श्रुते चेतत सर्वता मुक्तिदायकम, कहते सप्ताह विधि से श्रवण करने से कहते सर्वदा हमेशा मुक्ति देने वाला होता है। बोले अच्छा महाराज। तो कहते यह सप्ताह विधि सबसे पहले बोले किसने सुनाई थी, बोले और कहाँ सुनाई थी, इस प्रकार नारद जी कहते इस प्रकार उनके मन में कहते ये कहते सप्ताह विधि की कथा बोले किस प्रकार सुनाई कहाँ सुनाई ये सारी वो पूछने लगे। तो नारद जी ने कैसे कब और कहाँ और क्यों कहते क्यों कथा सुनी, कृपा हमें विस्तार पूर्वक से बताओ। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे सोंडक ऋषियों एक बार की बात है, कहते एक बार की बात है भले वह बताते हैं। एक दायाओ विशालायम तत्वरम ऋषियो मला सत्संगार्थ समायाता ददर्श स्तन नारदवम। एक बार आप बोलो बहुत अच्छा। एकतायु विशालाय चत्वारो ऋषियोन्मल सत्संगार्थम समायात दिदृशुस्तत्र नारदम। एक बार कहते सनत सनंदन चारों कुमारों को कहते प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए क्योंकि बद्रीनाथ में रहते थे। अब जब कहते जब प्रसन्न हो जाए कोई खुशी का, तो सत्संग के निमित्त चारों कुमार नीचे उतर रहे थे बद्रीनाथ नाथ से। उन्होंने कहा चलो कोई श्रोता मिले कोई संत मिले तो उनको हम सत्संग सुनाएंगे। इस प्रकार वह चारों कुमार नीचे उतर रहे थे और नारद जी इधर से जा रहे थे बद्रीनाथ के लिए। वह जैसे ही नारद जी को देखा, उनने देख करके चारों कुमारों ने, क्योंकि नारद जी भी इसी प्रकार जा रहे थे क्योंकि उनके मन में भी इसी प्रकार था कि मुझे भी कोई संत मिले, और वह उधर से उनको ऐसा लग रहा था कि कोई संत भक्त मिले तो हम भी बोले सत्संग सुनाए उनको। तो जैसे ही गए नारद जी दिखाई दिए चारों कुमारों को, तो वह कहने लगे कथम ब्रह्मन दीन मुखी कुछ चिंता तरो भवान तवृतम गम्यते कुत्रम कुश्चागमनम तव। सनकादिक ऋषियों ने जैसे ही नारद जी को देखा तो कहने लगे अरे महाराज, बोले कहाँ से तुम्हारा आगमन हुआ है, बोले इस प्रकार बोले कहाँ से आ रहे हो और एकदम जल्दी जल्दी जा रहे हो, बोले जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, बोले आप मुझे बताओ क्योंकि, और इस प्रकार बोले तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है। जिस प्रकार कहते कोई कृपान का धन है ना कोई छीन लेता, कहते कोई धन छीन लेता तो एकदम दुखी हो जाता कि बस अब क्या करूं, बोले कहाँ से आए के कहाँ से आए, और वह क्योंकि वह कृपान कंजूस है। अब कंजूस आदमी अगर इधर उधर देखे तो वह कोई कमाई नहीं, क्योंकि इधर उधर से उसने पेट काट करके भेला करा और अगर उसमें से भी कोई ले जाए तो उसको बड़ी परेशानी हो, तो वह बड़ा दुखी हो गया। वो दुखी होकर के और वह जल्दी जल्दी जा रहे कि कोई ऐसा कुछ मिल जाए कि मुझे मार्ग मिल जाए, क्योंकि वह
जा रहे थे, जब इस प्रकार पूछने लगे, बोले कुत्र चिंता तरो भगवान, बोले किधर जा रहे हैं, बोले इतना मलिन मुख लेकर के। तब रितिम गम्यते कुत्र कुसज गमनम, तब बोले शनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज से प्रश्न किया, नारद जी आप उदास क्यों हो और इतना उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, बोले जल्दी जल्दी जा रहे, बोले हमें बताने की कृपा करें। नारद जी महाराज कहते बोले बोले महाराज बोले क्या बताऊं, बोले महाराज बोले मैं है ना हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तुबंदनम। कहते महाराज बोले तुम पूछ रहे तो क्योंकि आप बड़े भाई हो और मैं बता देता हूँ। बोले बोले महाराज मैं हरि क्षेत्रम मने हरिद्वार, हरि क्षेत्रम हरिद्वार, कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम मने कहते मैं बड़े बड़े तीर्थ में मरे रामेश्वर है हर जगह, बोले घूमते घूमते सब जगह गया, बोले कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, गुजरात गया, सब जगह गया और घूमते घूमते सेतु बंद रामेश्वर गया। और जैसे ही गया कहते सभी तीर्थ में जहाँ जाता हूँ ना वहाँ कहते कलयुग ही नजर आता, बोले जितने भक्त हैं ना सब भगवान को भूल गए, विमुख हो गए, कहते सब भगवान को जानते नहीं, भूल गए क्या धर्म क्या कर्म, अपनी मन मर्जी से पूजा पाठ करना अपने मन मर्जी से, बोले न स्वाध्याय करना न सुबह उठना, उनको कहो कि सुबह उठो तो बोले इससे होता क्या है, बोले भगवान के भजन करने से होता क्या है। तो वह संत लोग कहते भाई भजन करने से क्या होता, तो तुम ये उल्टा सीधा खाते हो इससे क्या होता है, बोले बोले जब तो कहते कुछ नहीं, अरे भाई कम से कम उल्टा, अरे कुछ ना कुछ तो होता है क्या, कहते इसीलिए कहते उल्टा सीधा कुछ तो करो, भगवान का कुछ तो नाम जप करो ताकि उससे कुछ ना कुछ फायदा। अरे वाल्मीकि ऋषि जो था, कहते वाल्मीकि ऋषि है ना वह इतना कितना खतरनाक था, फिर भी उसको कहते उल्टा सीधा नाम जप करके और वाल्मीकि वाल्मीकि से वाल्मीकि बन गया, कहते वाल्मीकि क्योंकि वह भजन इतना भजन करा कि वो दीमक लग गई वाल्मीकि बन गई और उस वाल्मीकि से वह वाल्मीकि ऋषि बन गया। और उसके हाथ के कर्म संस्कृति के कर्म ने जैसे लिखे ना वह कहते ऐसे ऐसे रामायण में जो करता है ना कैसे, इसलिए कहते हैं वह सब जगह गया, बोले जहाँ जाता हूँ वहाँ बोले बोले कलयुगी कलयुग नजर आता, जिधर देखो उधर कमजोर व्यक्तियों के पास, कहते इस प्रकार वह फिर क्या हो घूमता घूमता बोले मैं है ना बोले घूमते घूमते वृंदावन चला गया। जैसे ही वृंदावन गया जैसे ही वृंदावन गया घूमते घूमते तो क्या देखता हूं कि एक कहते दो वृद्ध बालक है ना अचेत अवस्था में नीचे पड़े हुए वृद्ध हो गए और माता वह तरुणी स्त्री वह बैठी है उनको जगा रही है, साथ में कहते गंगा यमुना अनेक नदियां भी मने वह स्त्री का रूप बना करके खड़ी हो गई है सारी वह, और वह देख रही उठा रही है फिर भी नहीं उठ रही है। तो इस प्रकार कहा जब वह सब तीर्थ में भ्रमण करते करते जब वह जैसे ही वृंदावन गया तो वह भक्ति महारानी देख कर कहते भो साधु क्षणम तिष्ठा, बोले जैसे ही संत को देखा नारद जी को देखा तो भक्ति महारानी कहने लगी बोले हे साधु बाबा इधर आओ, बोले कहाँ जाते हो, बोले क्योंकि बड़ी बोले बड़े भाग से संतों के दर्शन होते हैं, कहते संत मिले यह सब मिले काल जाल जम जोट शीस नवावत नहीं पड़े सब पापन की ओर। कहते महाराज जहाँ संतों के दर्शन नहीं बड़े दुर्लभ है, इसलिए बोले आपके दर्शन हो गए ना तो अब कुछ अच्छा ही होगा। नारद जी जिन पूछने पर उसने देवी ने अपना नाम परिचय दिया, अहम भक्ति रितम सख्यात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानी का काल योगे न जंजिरो।
बोले बोले महाराज, बोले मेरा नाम भक्ति है और मेरे दोनों पुत्र ये लेटे हुए हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो कहते दोनों ही, कहते मैं तो, बोले जैसे कहते वृंदावन में आई तो मैं तो मन जवान हो गई, तरुण हो गई, और मेरे दोनों बेटे बोले वृद्ध हो गए। तो कहते बोले वृद्ध हो गया, अब बोले मैं क्या करूं, बोले तो इसलिए तो वो लोग कहने लगे भक्ति हूँ और मेरा नाम ज्ञान वैराग्य। इसलिए कहती है उत्पन्ना तबिने सहम वृद्धम कर्नाटके गता कवाचित कवाचिन महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णताम गता। बोले महाराज, बोले मेरा जन्म है ना कर्नाटक में हुआ और कर्नाटक द्रविड़ देश दक्षिण में हुआ, क्योंकि लक्ष्मी जी है ना, इसीलिए तो दक्षिण में सोना ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उधर के लोग ज़्यादा सोना पहनते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा। समुद्र कहाँ, मैंने माता लक्ष्मी रहती ही समुद्र में और दक्षिण में, तो कहते वह लक्ष्मी का निवास है, इसलिए वहाँ सोना ज़्यादा है। मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ तो सोना कितना, आप लोग सब जानते हैं। कहते कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ और इसके बाद में कहते उत्पन्ने दबिने सा बद्धम कर्नाटक, और कर्नाटक में आई तो कहते थोड़ी बड़ी हुई, और इसके बाद में ना महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र में आई तो कहते एकदम थोड़ी बड़ी हो गई मैं। अब ये तीनों चारों में राज घूमते घूमते और मैं गुजरात में चली गई। गुजरात में गई ना तो जीर्ण सीन हो गई, बोले क्योंकि वहाँ ढोंग ज़्यादा है बापू, मैंने कहते हैं भाई, क्योंकि कहते पहले खावा और पाछे जाओ नावा। तो कहते बोले भूख लगी, पहले जलपान कर ले, रोटला खाए भी ले, पाछे बोले नाव ले से बोले। इसलिए बाकी गुजरात में ऐसा कहते हैं, बाकी ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ भक्ति, जैसे त्योहारों में जाओगे ना तो फिर पता लगते हो इतनी भीड़ होती है, और ऐसी बात नहीं, नर्मदा जी बहती है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, गुजरात की भी महिमा है। और इसीलिए तो अब समय भी 6 बजने वाली है, इसीलिए कहते हैं वह कहते मैं कहते मैं जब वहां पर से आई और वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई और मेरे बच्चे बोले इस प्रकार हो गए। बोले अब क्या करूं, जब इस प्रकार का तो भक्ति महारानी वृंदावन आकर में युक्ति हो गई और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा कि देव ऋषि राजा परीक्षित ने अधर्म युक्त कलयुग को आने ही क्यों दिया। बोले जब ऐसा पता था कि कलयुग में कहते ऐसे ऐसे अवगुण है तो उसे आना नहीं देना था। तो वह कहने लगे, बोले अरे अली, बोली माँ, बोले इसमें है ना, बोले एक गुण भी है, अवगुण हजार है ना तो एक गुण भी है, तो क्या है, कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतर ही सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जय श्री राम। तो बोले कलयुग में ये विशेषता है कि कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। नाम की महिमा इसलिए कि वह और युग में तो कहते सतयुग में कहते यज्ञ करो, फिर इसके मतलब तपस्या करो, ये करो वो करो, तीनों युग में ये था, बाकी कलयुग में भगवान के नाम लेने से ही तुम भव से पार हो जाओगे, इसमें नाम की महिमा है। इसीलिए तो तुमसे कहते हैं अरे भाई राम राम करो, तो कहते महाराज राम राम से होता क्या है। अरे भाई राम राम करते कहते कहते राम राम करते हुए तो कहते वह बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, वह भवसागर से पार हो गए, बड़े बड़े भक्त, इस राम नाम की महिमा फिर अब कल बताएंगे, आज अब समय भी नहीं है ना। इसीलिए कहते यतम यत फलम नास्ते तपसा
न योगी न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। बोले इसलिए ये भगवान, बोले भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान की महिमा है, नाम की महिमा। यह कलिकर एक पुनित प्रतापा, मानस पूर्ण हो ये नहीं पापा। यह कलिकर एक पूर्ण प्रतापा, मानस पूर्ण हो ये नहीं पापा। मानस पूर्ण हो पापा। इसलिए ये कलयुग की विशेषता है, क्योंकि आप लोग है ना, जैसे मन में कोई सोचते हो ठीक है तो उसका पाप नहीं लगता, और अगर मन से अच्छा सोचते हो, जैसे मानसिक पूजा करते हो ना, तो इसका आपको कई गुना मिल जाता। और मन में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर किसी के प्रति सोचते ना, तो इसका पाप उतना लगता नहीं, लगता तो है बाकी उतना नहीं। हाँ, अगर मन से यहाँ बैठे हो और अगर आप गंगा जी पूजा करने चले गए, आरती लगाने लग गए, तो इसका कई गुना फल, मैंने आपने गंगा जी नहा लिया, मैंने कथा में बैठे बैठे डबल काम हो गया, एक तो कथा गंगा भी सुन ली और एक गंगा जी में स्नान भी कर लिया। इसलिए इसकी यही महिमा। तो नारद जी द्वारा वृंदावन की महिमा बताते, वृंदावनम संयोक्तम पुनस्तम तरुणी नम धनम वृंदावनम तेन भक्तिर्तति यत्र च। इस वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः आप युक्ति हो गई और वृंदावन धन है। कहते वह, बोले भक्ति महारानी कहती, बोले आप चिंता नहीं करो, बोले क्योंकि ये वृंदावन धन है, आप यहाँ आ गई तो कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, बोले चिंता नहीं करो। बोले तो भक्ति महारानी द्वारा नारद जी की स्तुति करती है, कहती बोले धन है, बोले महाराज, बोले आपने तो बहुत, कहते आप चिंता नहीं करो, बोले तुम्हारे पुत्रों की, बोले मैं सहायता करूँगा। तो इस प्रकार वह कहते मैं सहायता करूँगा और तुम चिंता नहीं करो। अब भक्ति महारानी को कई प्रकार से वह सुनाते हैं, मैंने जगाते हैं, कभी कुछ सुनाते हैं, कभी गीता पाठ, कभी कुछ कभी कुछ। तो वह सुनाया, अब वो जगते हैं फिर सो जाते हैं, जगते हैं फिर सो जाते हैं। इस प्रकार जब देखा तो वह कहते फिर भी कहते चिंता नहीं करो, कहते तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि वह क्योंकि जो चला जाता ना फिर उसे भगवान की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए तो कहते वह भक्ति महारानी वह प्रार्थना करती है नारद जी की, जयति जयति माया यस काया धवस्ते, जयति 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 माया यस्य काया वदस्ते, वचन रचन मेघम केवलम च कलय ध्रुवपति। हाँ, ध्रुवपतिमपि यतो यत् कृपातो ध्रुवयम् सकल कुशल पात्रम् ब्रह्म पुत्रम् नास्तस्मि। कहते वह कहते बोले भक्ति महारानी कहती नारद जी की, नारद जी आप तो बड़े श्रेष्ठ हो, क्योंकि जिन आपके एकमात्र उपदेश धारण करके कहते कायादु नंदन कहते उनने आपके चरण में आया, और यहाँ तक कि भरत प्रहलाद भी तुम्हारे चरण में आए और भगवान की गोद प्राप्त कर ली। तो कहते आप ऐसे हैं, तो कहते आप ब्रह्मा जी के ऐसे मानस पुत्र हैं, और जरूर बोले आप मेरे पुत्रों का कल्याण करोगे, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। सद भगवान भक्ति महारानी ने नारद जी को बार बार बोले इस प्रकार कहा। जब इस प्रकार कहा करके और भक्ति महारानी कहती बोले नारद जी द्वारा भक्ति पुत्र ज्ञान और बैराग्य को जगाने का यत्न, वह सारी मैंने गीता शास्त्र सब सुनाया, फिर भी आँख खोले फिर सो जाए। तो कहते वह जब जगे नहीं तो उनने फिर कहते यत फलम सपलतु भविष्य न संशया, कहते वह कहते देव ऋषि तुम्हारे उद्गम सफल होगा,
वह आकाशवाणी होती है। जब इस प्रकार जगाने लगे फिर खोल आँख खोल कर देखते हैं, जब वह जगे नहीं फिर सो जाते हैं तो आकाशवाणी होती है। कहते नारद जी और तुम्हारा बोले यह फल है ना, ये जो आप प्रयास कर लो ये सफल होगा। बोले आपका ये जितना आप प्रयास कर रहे हैं ना ये कम नहीं है। बोले और आकाशवाणी होती है। बोले महाराज बोले अब है ना आप सत्कर्म करो और सत्कर्म करो। तो कहते वह नारद जी कहते सत्कर्म क्या है, तो कहते संतों से पूछो। इस प्रकार कह करके नारद जी द्वारा वह इस प्रकार, तो वह नारद जी कहते बोले महाराज बोले इसी खोज में बोले मैं सत्कर्म क्या, क्योंकि बड़े बड़े संतों के पास घूमते घूमते और मैं बद्री नारायण आ गया। जय जय श्री राधे। इसी प्रकार नारद जी महाराज उस सत्कर्म खोजते हुए जा रहे हैं और संतों की शरणों में जा रहे हैं। तो हम नारद जी के साथ साथ मन को लेके चलेंगे और कल ठीक सुबह 9 बजे यहाँ पर उस सत्कर्म क्या है यह सुनेंगे। अभी आरती होगा, उससे पहले 2 शब्द कहना चाहूँगा। आरती के पश्चात जो भी मत्था टेकने चाहेंगे यहाँ नहीं आएंगे, उस रास्ते से जाएंगे। आपकी व्यवस्था गुलशन जी टोनी जी आप लोग उसकी व्यवस्था बनाएं। जो भी मत्था टेकना है उधर से आके वहाँ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी आ सकते हैं। और अभी आरती होंगे, आरती में भी व्यवस्था बनाए रखिएगा। आरती के पश्चात आप सबको वृंदावन से पधारे हमारे संगीतज्ञों से मीठी मीठी सुंदर भजन भी सुनने मिलेगा। तो एक कीर्तन के बाद गुरुदेव भगवान, कीर्तन के पश्चात कथा यहीं विश्राम लेंगे। श्री राधे कि राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम से जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। तू जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जन्म राधे राधे बोलोगे तो क्या होगा। मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, और सांवरिया मिलेगा तो एक काम और होगा, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया। लगे ना कोई जय हो, लगे ना कोई जय हो, लगे ना कोई मोल रे, तू राधे राधे बोल रे, हाँ लगे ना कोई मोल रे, तू राधे राधे बोल, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। श्यामा श्याम मनोहर जोड़ी, श्यामा श्याम
श्यामा श्याम मनोहर जोड़ी, श्यामा श्याम मनोहर जोड़ी, श्याम सुधा बरसत चहुआरी, श्याम सुधा बरसत चहुआरी, श्याम सुधा बरसत चहुआरी, श्याम सुधा बरसत चहुआरी, प्रेम रस प्रेम रस घोल रे राधे राधे बोल रे, प्रेम रस घोल रे राधे राधे बोल, मिलेगा सांवरिया मिलेगा सांवरिया, बजे की बांसुरी कोई बोल रे राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे, राधा नाम है परम महाधन, राधा नाम है परम, सेवा कुंज निध वन गहवर वन, सेवा गहवर वन, और यहाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली तो आदि वृंदावन और बरसाने में पड़ी रहती है। निधि वन और सेवा कुंज ये श्रीधाम वृंदावन में है और गहवर वन बरसाने में है। तो संत जी का ये भाव है कि चाहे जहाँ रहो दिल्ली कलकत्ता बंबई एक काम करते रहो, क्या सेवा कुंज निध वन गहवर वन, सेवा कुंज निध वन गहवर वन, जी चाहे जहाँ रहो, जी चाहे जहाँ रहो, जी चाहे जहाँ डोल रे तू राधे राधे बोल रे, जी चाहे जहाँ डोल मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, और जब सांवरिया मिलेगा तो चैन की बंसी बजेगी, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया, लगे ना कोई, लगे ना कोई, लगे ना कोई मोल रे राधे राधे बोल रे, लगे ना कोई आदि सत्य है राधा रानी, आदि सत्य है राधा रानी, महिमा इनकी वेद बखानी, महिमा इनकी वेद बखानी, महिमा इनकी वेद बखानी, महिमा इनकी वेद बखानी, करना क्या है हृदय पट जहो, हृदय पट खोल रे तू राधे राधे बोल रे, हाय हृदय पट खोल रे तू राधे राधे बोल रे, मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, लगे ना कोई बोल रे तू राधे राधे बोल रे, तू
राधे राधे बोलो बरसाने वारी की बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो सब संतन भक्तन की जय हो श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो व्यास भगवान की जय हो सभी भक्त लोग खड़े हो जाएं और आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे ह्रीं नमः इत्यनेन नीरांजनार्धं दीपं कर्पूरं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य मंगलनीरांजयेत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हर नाम यही हर हो यही हर नाम यही हर नाम यही जग के मंगल की आरती हो शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग भक्त बोल सन्मार्ग बताने बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती हो भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणा पसार संसार सारम कुजनेत्रहारम सदा वसंतम प्रचारम भवम भवानी सदा नमामि तुमेव माता सत्ता तुमेव तुमेव बन्धु जगता तुमेव तुमेव विद्या सर्वं तुमेव तुमेव सर्वं तुमेव देवा तुमेव सर्वं तुमेव तुमेव सर्वं आराध्य उपास्य स्मरणीय देवेभ्यो नमः मंगल निरांजनम च समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं जानिकानि जपापानि च नमान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां च पदे पदे पुष्पैः देवाभिवन्दनं व्यासादीनां वन्दनं हस्तौ प्रक्षालनं कराभ्यां मन्त्रपुष्पाञ्जलेः ॐ जगनेन जगन्मय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनागं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेष्वभाव करोमि अद्यं सकलं वरसमयि श्रीनारायणाय ति समर्पयामि
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विधिया द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नाना सुगंध पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वांछितं फलं श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय वाङ्मय स्वरूपिणे भगवन् बालकृष्णाय नमः चरणकमल मध्ये मंत्र पुष्पांजलि स्तुति पाठं च समापनं च समर्पयामि बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की श्री बाल कृष्ण लाल की श्री द्वारिकाधीश की सदगुरुदेव भगवान की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।